नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूँ अर्जिता। दिल्ली में कोविड 19 और ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार के बाद सरकार की टेंशन बढ़ गई है। वहीं इस महामारी को देखते हुए दिल्ली में इस वक्त रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। इस दौरान दिल्ली पुलिस खासी सख्ती बरत रही है। दिल्ली पुलिस ने नए दिशा निर्देशों के सफल कार्यान्वयन के लिए निगरानी तेज कर दी है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के दौरान जगह जगह बैरिकेड्स लगा रखे हैं। इस दौरान सभी से बाहर निकलने का कारण पूछा जा रहा है। अगर कोई बिना किसी पुख्ता कारण के दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा है तो पुलिस उसे सख्त हिदायत देकर घर वापस भेज रही है। बता दें कि दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 923 नए मामले दर्ज किए गए, जो 30 मई के बाद सबसे ज्यादा और एक दिन पहले दर्ज किए गए मामलों से लगभग दुगने हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण दर बढ़कर 1.29% हो गई है, जो मंगलवार को 0.89% थी। जबकि दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 496 मामले सामने आए थे और एक मरीज की मौत हो गई थी। वहीं 238 मामलों के साथ दिल्ली ओमिक्रॉन की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।